हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बनाने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप एलईडी फ्लैशर सर्किट। ये बिना आईसी के हम बनाने वाले हैं। इसमें दो ट्रांजिस्टर लगेंगे जो कि मैं आपको बता दूंगा। ये BC547 NPN ट्रांजिस्टर है। ये बहुत ही अमेजिंग सर्किट है। ये पुलिस लाइट एलईडी फ्लैशर सर्किट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सर्किट है, आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इसे बना लेते हो तो आपको इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप कनेक्शन समझ सके, और वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो हमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए ये सब कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ये ट्रांजिस्टर। हमें कोई भी NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। मैंने, आप देख सकते हैं, BC547 ट्रांजिस्टर लिया है, जो कि ऑनलाइन महंगा पड़ता है। आप इसे ऑफलाइन 4 रुपये में एक पीस खरीद सकते हो। तो इसके पिन आउट्स मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। आपको बस इस ट्रांजिस्टर को इस तरीके से, जैसे मैंने किया हुआ है, इस तरीके से आपको इसको करना है। इसके लेग्स को आप इस तरीके से मोड़ लीजिए, और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के लेग्स को आपको इस तरीके से मोड़ना है। ये BC547 NPN ट्रांजिस्टर है। इसके नंबर नहीं दिख रहे होंगे आपको। और दो कैपेसिटर चाहिए आपको, 25 वोल्ट और 100 माइक्रोफेरेड के लिए। आप कम ज़्यादा के ले सकते हैं। 2 10K के रजिस्टर चाहिए। इसके कलर कोड आप देख सकते हो। दो आपको 2200 के रजिस्टर चाहिए। इसके भी कलर कोड आप देख सकते हो। दो LED चाहिए। ये मैंने अलग अलग कलर की LED लिया। आप चाहे तो एक कलर की LED ले सकते हैं। और इसकी जो, इसकी लेग छोटी थी तो मैंने इस तरीके से कर लिया। इसकी लेग बड़ी है तो इसको जो नेगेटिव लेग है उसको आपको, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को 90 डिग्री पे से मोड़ लेना है। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम जम्पर वायर को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये पहला वाला ट्रांजिस्टर है इसको आपको वायर के इस यहाँ पे इसे सोल्ड कर लेना है एक सिरे पर। और जो सेकंड वाला है उसे आपको वायर के इस सिरे पर, लास्ट सिरे पर इस प्रकार सोल्ड कर लेना है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी जो रेट है वो काफ़ी कम है। मैंने BC547 लिया। BC548 2N2222 नंबर के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो लेग LED है उसकी जो नेगेटिव लेग है, अगर आपको पहचान नहीं आती है तो ठीक है, नहीं मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी जो ये नेगेटिव लेग है, नेगेटिव लेग को आपको यहाँ पे इस तरीके से सोल्डर करना होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, LED के जो, दोनों LED की नेगेटिव लेग को ट्रांजिस्टर की इस तीसरी तीसरी पिन के साथ, पहले पहले पिन है ना, उनके साथ सोल्डर करना है। तो इसका आप नेगेटिव सिरा नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला बड़ी वाली पिन होती है नेगेटिव LED में, वो नेगेटिव होती है। तो इसको मैंने यहाँ पर सोल्डर कर लिया है। इसके बाद हमें LED से ना, उनके साथ जो ये 2200 का रेजिस्टेंस है वो LED के पॉजिटिव लेग के साथ आपको सोल्डर करना होगा।
इसी प्रकार दूसरी वाली एलईडी के साथ भी आपको सोल्डर करना होगा। और अब आपको क्या करना है, ये दोनों रेजिस्टर है इनको एक साथ सोल्डर कर देना होगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो कैपेसिटर होता है उसके ऊपर जो ये ब्लैक पट्टी होती है ये नेगेटिव सिरा होता है। वो लाइट नहीं जलाई तो आपको कम दिख रहा होगा थोड़ा। तो ये कैपेसिटर की जो ये पट्टी होती है ये नेगेटिव सिरा होता है, और जो ये इस इधर वाली साइड होती है जिधर कोई पट्टी नहीं ये पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या करना, पॉजिटिव सिरा ना वो जो एलईडी की जब नेगेटिव लेग सोल्डर करी थी उसके साथ सोल्डर कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये सोल्डर करना होगा। इसी प्रकार जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसके साथ भी हमें ऐसे ही सोल्डरिंग करनी है। ठीक है, तो अब हमें हमारा जम्पर वायर लेना होगा। अब जो मैंने क्या है पहले से बनाया हुआ था तो इस जम्पर वायर को इस तरीके से मोड़ा है। अगर आपके पास कैपेसिटर की लंबी लेग हो तो आप कैपेसिटर की लेग ही सोल्डर कर लें। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस कनेक्शंस करने हैं। जैसे इस वाले कैपेसिटर का जो नेगेटिव सिरा है वो इस ट्रांजिस्टर के साथ सोल्डर करना है। ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है मिडल वाली पिन उसके साथ। अब मैं आपको बीच में जो डायग्राम दे दूंगा उसके में उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रांजिस्टर के। अब उसी प्रकार से ये जो दूसरा वाला जम्पर वायर है इसका भी हमें जो इस ये नेगेटिव सिरा है कैपेसिटर का, इस वाले कैपेसिटर का नेगेटिव लेग है वो इस कैपेसिटर ट्रांजिस्टर के बेस के पिन के ऊपर सोल्डर करना होगा। हमारे लगभग सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हमें आखिरी कनेक्शंस करनी है, इनमें जो 10K के रेजिस्टर्स होते हैं इन्हें सोल्डर करना होगा। जो अब आपको मैं बता देता हूँ, ये 10K का रेजिस्टेंस होता है उसे हमें कैपेसिटर के नेगेटिव लेग पर और इन जो यहाँ पे हमने जो 22 ओम के रेजिस्टेंस सोल्डर करे थे उनके मिडिल पॉइंट पे सोल्डर करना है। तो इसे भी मैं कुछ इस प्रकार सोल्डर कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। आपको कनेक्शन सारे सही करने हैं, नहीं तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसके खराब होने का खतरा हो सकता है। मैं आपको एक बार आखिर में सारे कनेक्शन दिखा दूंगा।
देखिए, चारों कैपेसिटर्स जो चारों रजिस्टर्स हैं उनके जो सिरे होते हैं उनको आपको एक साथ सोल्डर करना हो, यहाँ पे हम बैटरी का पॉजिटिव देंगे। तो अभी हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो चुका है, अब बस आपको इसके कनेक्शंस में एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रजिस्टर्स हैं इनका जो सारा मिडल पॉइंट पे मैंने सोल्ड कर लिया एक साथ। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये जम्पर वायर के ऊपर ट्रांजिस्टर को इस प्रकार सोल्ड किया था। अब आपको क्या करना है, ये कनेक्शंस आप देख के इसे सारे कनेक्शन हो जाने के बाद, चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें 3.7 वोल्ट की एक बैटरी चाहिएगी। ये होल्डर मैंने खुद ने बनाया है। तो आपको क्या करना है, इसे चेक करने के लिए पॉजिटिव सिरा यहाँ पर देना है और नेगेटिव सिरा इस साइड देना है जहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग आपस में कनेक्टेड है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।